हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। अभी सभी तैयार हो रहे थे होटल के अंदर, तो मैंने सोचा मेरे पास आधा पौना घंटा है, तो मेरे होटल के पास ही एक वॉशिंग सेंटर था। मैं सोचा अपनी गाड़ी वॉश करवा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, और मैं अपने साथ गोपी को ले आया था। एंड हमने प्लान बनाया है आमिर फोर्ट जाने का, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट होटल से अपने फ्रेंड्स को पिक करके वहीं जाएंगे एंड वहाँ से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। अमित जी, आप हो गए रेडी? और हम होने कहाँ जा वाला रहे है। हैं? हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट, लगा लिए लोकेशन। और ये हमारे पंकज, फोर्ट अभी लगेंगे 48 मिनट। इधर जाने अड़तालीस है, जाने मिनट यहाँ इधर से है लगेंगे। राउंड राउंड तो आप गूगल मैप का यूज करें, जब आप से अननाउन सिटी में हो वही आपको सही लोकेशन भी बचाएगा। इतो लेफ्ट क्यों, वही रास्ता दिखाएगा। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। आपका नाम शाहिद खान। ठीक है सर, बताइए। ये जगह है, जगह का नाम है पन्ना मीना कुंड। ओके। इसको पन्ने मियाँ कुंड भी बोला जाता है। मान सिंह जी एक सर्वेंट लेके आए थे दिल्ली से, उनका नाम था पन्ने मियाँ, वो ट्रांसजेंडर यूनिक थे। उन्होंने खुद के पैसे से पब्लिक के लिए बनवाया था। ये 16वीं सेंचुरी का बना हुआ है। ये 30 से 40 फुट इसमें गहराई है और कम से कम 1000 स्टेप्स। जमीन से पानी निकलता है, कुछ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग हुई। ओके। इस तरह की एक बावड़ी यहाँ पे डोसा के अंदर भी अंधेरे में है, जिसका नाम है चांद बावड़ी। उसमें 3500 स्टेप्स। देखो सर, कछुए होते हैं, मछलियाँ भी है, कछुए भी हैं, तो देखो दिखाएगा। अच्छा, इसमें भी घूमना। नीचे नहीं जा सकते? जा सकते होंगे, नीचे नहीं जा सकते। फोटोग्राफी के लिए, प्री वेडिंग के लिए लोग जाते हैं ना, तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है प्री वेडिंग के लिए लोग बहुत जाते हैं। ये कौन सी फिल्म थी जिसकी शूटिंग हुई है? पहली मूवी का है, दबंग 3 के गाने का शूट है, आर्य सीरीज का है। ओके 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 ओके। सो गाइस, जैसे हमारे गाइड ने बताया कि दिस वाज पन्ना मीना का कुंड, एंड फ्रॉम हेयर राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आमिर फोर्ट। आप देख सकते हो जगह बहुत अच्छी है, और अब हम आमिर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड इस जगह पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, एंड रिसेंटली जैसे अभी दबंग 3 की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे एक सॉन्ग शूट किया गया उस मूवी का। एंड एक पहेली मूवी थी, उसकी भी शूटिंग यहीं पर ही हुई है। एक सीन था जो यहाँ पे शूट किया गया था, और मैनी अदर मूवीज़ एज वेल। तो ये आप देख सकते हो टैक्सीज वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली आपको सीधा आमिर फोर्ट की तरफ लेके जाती हैं, बट हम अपनी कार में हैं इसलिए हम टैक्सी नहीं यूज़ कर रहे। एंड ये आकाश एंड परमिंदर आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स माय कार। ये दीवार देख रहे सामने, ये दीवार चारों तरफ से बना, 12 किलोमीटर का सेफ्टी वॉल। अच्छा, ये छतरी बनी है ऊपर। हाँ। ये वॉचिंग टावर जहाँ पे शनि खड़े होते थे, इसके पिछला पार्ट देखते थे देखने के लिए। वहाँ से कोई आता था, दो वहाँ से ड्रम बजा के इन्फॉर्म करते मिल के इधर तक। ये सॉरी, पूरा सेफ्टी वॉल इसका है। छतरी ग्रेन के लिए सिग्नल। परौठा खा लेने क्योंकि है, खा लो। परौठा है, कितने लोग बनाए? भैया 20 रुपये का दो है। ठीक है, ले भैया बैठ जाओ आराम से। आलू वाला नहीं है? आलू के आलू आराम से आंटी जी का एक फोटो ले लेना। आंटी का फोटो ले लिया। आंटी, कौन सा परौठा है ये? सादा परौंठा है। आ, इतना अचार मत डालो, थोड़ा सा डालो। पकड़ी टेस्टी है, चलो मैं भी खाऊंगा। अभी हम रुके हैं कुल्फी खाने के लिए, देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। Let's try. छोटे होते जब वो गली में नहीं आते होते थे वो ये भैया चार दे दो यार। चार नहीं, पहले दो करा। दो की करा तू नहीं खाएगा, मैं टेस्ट करूंगा दो वाली चुप। ठीक है,
गुड इवनिंग एवरीवन, एज यू ऑल नो आज मैं राजस्थान जयपुर में आया हूँ. जयपुर इज़ यूजली नोन एज द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल. और आज मैं जयपुर के सबसे फेमस फोर्ट दैट इज़ द आमेर फोर्ट वहाँ पर आ चुका हूँ. एंड यू कैन सी द सीन्स फ्रॉम सीन्स माई बिहाइंड, कितना ब्यूटिफुल गेट है यहाँ पर एक. एंड लेट मी जस्ट शो यू ओवर हेयर. अभी हमारे गाइड ने हमें बताया दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ 48 लॉन्ग पोल्स और इसको बनाया गया है हिंदू एंड मुस्लिम दोनों की तरफ से. मुस्लिम्स ने इनकी बेस क्रिएट किया है और ऊपर जो एलिफेंट्स की इमेज बनी है वो हिंदू आर्टिस्ट ने क्रिएट की गई है. सो यहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों ने काम किया है. As I told you before guys, this is the main gate of Amer Fort. You can see the gate is really very beautiful. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गेट. एंड आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, सेल्फीज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, इसकी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं. लेट मी जस्ट शो यू द अदर व्यू ऑफ दिस पैलेस. अभी मैं अब नीचे से स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आया था एंड जहाँ से हम अपनी गाड़ी पार्क करके आए हैं वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ. ये नीचे जो जगह है यहाँ से हमने टिकट्स ली थी एंड दैट इज़ द गेट इन द कॉर्नर जहाँ से हम अभी चलकर आए हैं. एंड दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन राइट नाउ. आई एम गोना शो यू द व्यूज़. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ से. और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा है यहाँ का. दिस इज़ अ सैफ्रन गार्डन जो आप नीचे देख रहे हो. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हेयर इज़ यहाँ पे बाजीराव मस्तानी का एक सॉन्ग शूट किया गया है जिसमें दीपिका पादुकोण ने फीचर किया था. आप देख सकते हो नज़ारा बहुत ही सुंदर है. वो पीछे जयपुर सिटी है एंड माउंटेन्स में घिरा हुआ ये फोर्ट. इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटिफुल. सो गाइज दिस इज अनदर पोर्शन ऑफ आमेर फोर्ट और जिसे दीवाने खास भी कहा जा सकता है. और ये एक विंटर पैलेस था जो कि राजा ने बनवाया था और इसमें बेल्जियम से मिरर्स मंगवा के लगवाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. जब भी आप यहाँ विजिट करोगे आप ये देखना. इसे विंटर पैलेस भी कहा जाता है और दीवाने खास भी कहा जाता है. और अब मैं ऊपर आ गया हूँ. यहाँ पे बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट्स करवा रहे हैं एंड वो सामने पहाड़ पे एक और पैलेस है और उसका रास्ता भी यहाँ से सीक्रेट टनल के थ्रू जाता है. और एक रास्ता और है जो कि बाय रोड है, वहाँ से आप अपनी कार लेके भी जा सकते हो. गाइस एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर राजे की 12 रानियाँ रहती थी एंड देर आर 12 गैलरीज ओवर हेयर. और यहाँ पर सभी रानियाँ आती थी. यू कैन सी देर इज़ अ गैलरी ओवर देयर. और अलग अलग रास्ता है सभी रानी के रूम तक पहुँचने के लिए. यू कैन सी दिस. और अभी हमारे गाइड ने हमें ये बताया है कि इन्होंने यहाँ पे सारे वर्कर्स भी लेडीज़ ही रखी हुई थी और जो यहाँ के सेफ गार्ड थे, जो भी जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो किन्नर थे सभी. लो जी महाराजे के महल में CCD भी बन गया है. अगर किसी को कोई कॉफ़ी पीनी है, अगर पानी वगैरह पीना है, कुछ खाना है, तो यू कैन कम हेयर. CCD इन महाराजाज किला. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आपको मैं बहुत ही जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच अगेन.